नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद ये कोई पहला चुनाव होगा, ये उपचुनाव है। और बड़ौदा में श्री कृष्ण हुड्डा, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा, उनके देहांत के बाद कांग्रेस के MLA थे, उनके देहांत के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। जैसा कि हमने वादा किया कि आपको हर गांव में लेके चलेंगे और वहाँ का मूड क्या है, थर्मामीटर हम लगाएंगे, टेम्परेचर आप नोट करते चलिएगा। इसी सिलसिले में हम पहुँचे हैं भैंसवाल कला। अब भैंसवाल कला को समझ लीजिए कि दो गांव जुड़े हुए हैं, एक है बावला और दूसरा है मिठान। मिठान जो भैंसवाल कला मिठान है उसमें तकरीबन 3,595 वोटर हैं और 4 पोलिंग स्टेशन्स हैं, एक रिजर्व्ड है। और भैंसवाल कला बावल जहां हम अभी खड़े हैं और साथ साथ हम उधर भी चलेंगे, मिठान की तरफ भी चलेंगे, तो बावल में 3,124 वोटर्स हैं और 5 यहां पर मतदान केंद्र हैं जिसमें 2 रिजर्व्ड हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले चुनाव में इस गांव ने 2 लोगों को वोट दिया, मतलब आधा आधा कर दिया। एक तो भूपेंद्र मल्लिक जो JJP के कैंडिडेट थे और दूसरे योगेश्वर दत्त जो BJP के कैंडिडेट थे। और उसकी वजह ये थी कि दोनों का ताल्लुक इस गांव से है और इसलिए गांव के लोगों ने ये कहा कि क्योंकि दोनों का संबंध सीधा सीधा इस गांव से है इसलिए 50-50 कर दिया और दोनों को मिल गए वोट। हालांकि ये गांव जाट बाहुल्य गांव है और जो डिवीज़न, जो जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे जो डिवीज़न आपको देखने को मिलता है वो डिवीज़न यहाँ पे पिछले चुनाव में टूटा था और उसकी वजह मैंने आपको बताई। अब इस बार दिलचस्प ये होगा कि भूपेंद्र मल्लिक JJP में हैं, वो भी टिकट चाहते हैं, और योगेश्वर दत्त BJP में हैं, वो BJP से टिकट चाहते हैं। अब ये चंडीगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, BJP और JJP साथ मिलकर के उनकी सरकार चल रही है और गठबंधन में ही चुनाव होगा, कोई एक यहाँ से चुनाव लड़ेगा। वैसी सूरत में अब हालात क्या होंगे यहाँ, जरा उसको समझना होगा। यहाँ पर हुडा फैक्टर काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि दो कैंडिडेटों का संबंध सीधा सीधा इसी गांव से है। इस गांव की अपनी समस्याएं भी हैं, बड़ा गांव है और अगर आप मिठान और बावल को जोड़ दें तो 3-3, 6-6.5, लगभग 7,500 वोट यहाँ से बनते हैं। और जो पोलिंग स्टेशन हैं 5, 4, 9 पोलिंग स्टेशन हैं। आइए जरा यहाँ के फैक्टर को समझने की कोशिश करें, आइए चलिए। हम यहाँ पर हैं इस गांव में और लगातार एक मूड भापने की कोशिश थर्मामीटर लगाकर, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं। राम राम जी। और सब परिवार में सब कुशल मंगल, सब ठीक हैं, सब परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं, सब हाँ, कोरोना का कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, सब लोग स्वस्थ हैं घर परिवार में। अच्छा, तो आप लोग स्वस्थ हैं और चुनाव भी है यहाँ पर है? बड़ा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मिट्टी है सर, मिट्टी को तो प्रणाम करना चाहिए ना, करो तो ठीक। आप ये चुनाव है यहाँ पर तो क्या माहौल है, कितनी गर्मी है? देखो गर्मी तो देखो इतनी है कि यू देख लो पर ना परमात्मा ने कर रहा कि एक तो रास्ता देख लो बल्कि तो देख लो यू आए हो इस रास्ते पर कह एक तो यू एक पानी की समस्या है रजवाए की, बीड़ा तो चौड़ा तो हमने देखा है, उनका बीड़ा उनका नहीं देखा क्यों बिला ले एक तो यह समस्या है। रही वोटा की, वोटा की कांग्रेस तो बने हर है साहब, कभी कांग्रेस से बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, क्यों क्यों बनेगी, अरे मतलब बूढ़ा के उससे मतलब बनेगी। अच्छा क्या, अच्छा मुझे तो कोई कह रहा था कि योगेश्वर दत्त और इन लोगों को मिलेगा गांव से वास्ता है सीधा सीधा, इन टिकट है ना योगेश ने, योगेश को टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा BJP के, क्यों किसको मिलेगा? आप भाई यही हो,
जी क्यों क्यों क्या क्या बात हो गई? ये भैया तो सब बीजेपी जाने। अच्छा हाँ, तो किसको मिलेगा? बीजेपी टिकट देगी इसको, यूके नाम है कपूर को। अच्छा हाँ, योगेश्वर दत्त को नहीं देगी? बिल्कुल नहीं मिला टिकट, ये तो देख लियो आप। अच्छा, और अगर योगेश्वर दत्त को टिकट मिल गई तो? फिर भी कांग्रेस का बनेगा। फिर भी कांग्रेस का? फिर भी कांग्रेस का बनेगा। अच्छा हाँ, बीजेपी का नहीं बनेगा। पिछले चुनाव में किसको दिया था वोट? किस लोगों ने, इस गांव ने किसको वोट दिया था? जब पिछले वो उसमें दिया था हमने, उसका जब वो गांव का था मलिक साहब भूपेंद्र है, उसकी उसकी ज्यादा वोट आई थी। अच्छा, भूपेंद्र मलिक को? हाँ, अगर जो उस कभी उससे रह गया बीजेपी तो इकट्ठा चुनाव तो अरे फिर भी ले लेंगे ज्यादा। अच्छा, भूपेंद्र मलिक? हाँ, इसी गांव से हैं? इसी गांव के। अच्छा, ये है। तो कोई मुझे बता रहा था कि आधा भूपेंद्र मलिक और आधा योगेश्वर दत्त को मिला था? ना, ऐसा नहीं हुआ था। वो डर भूपेंद्र ऊपर था। भूपेंद्र ऊपर था इस गांव से? हाँ, गांव ऊपर था। अच्छा, ज्यादा वोट मिला था? हाँ, भूपेंद्र हुड्डा मतलब श्री कृष्ण हुड्डा को? कृष्ण हुड्डा को अड़े को मिले थे 700 वोट। अच्छा, जब पिछले प्लान में आर्यन को भूपेंद्र को मिली थी, मलिक को मिली थी 2050 वोट। और योगेश्वर को? योगेश्वर के मिली थी 1800 वोट। अच्छा, तीसरे नंबर पे? हाँ, पहले नंबर पे कृष्ण हुड्डा ही थे यहाँ? कृष्ण हुड्डा नहीं, भूपेंद्र मलिक। अच्छा, भूपेंद्र मलिक जेजेपी वाला? जेजेपी वाला पहले नंबर पे वो था। हाँ, और दूसरे नंबर पे फिर वो योगेश? योगेश था। तीसरे पे था कांग्रेस? तीसरे पे कांग्रेस था। हाँ, तो इस बार कह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, एक प्रकार ज्यादा हो जाएगा कांग्रेस का। ये आड़ा ये स्थिति है। अच्छा, क्या लगता है? क्या है वही जो पूछ रहे? हाँ हाँ, बता रखी है यहाँ से। हाँ, जेजेपी के भूपेंद्र मलिक को टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस की डालेंगे। कांग्रेस की डालेंगे सब। और मान लीजिए बीजेपी बीजेपी जेजेपी दोनों साथ है। हाँ, और अगर किसी को बीजेपी टिकट दे तब? हम नहीं डालते किसी की, हम तो कांग्रेस की डालेंगे। फिर यहाँ समस्या आप देख लो, पानी की बहुत बड़ी समस्या, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कोई नहीं आता सुनने बाद में, बहुत बड़ी समस्या पीने के पानी की। आप देख लो वहाँ जाकर जबाई में पानी नहीं आता। भूपेंद्र मलिक को मिल जाए तो ठीक है। हाँ हाँ, डाल देंगे वोट। और नहीं तो फिर कांग्रेस को डाल कांग्रेस को काम देखो करता किसे की बगैर कर जी का हमारे देखा कोई बनो कोई बने ठीक बात है। माजी, ये चुनाव हो रहा है तो उसमें कौन पार्टी लगता है कि ठीक काम करती है? मुन्ने ना बेरा देख ली। अच्छा, नहीं ना, ना हमने नहीं बेरा कोई सी ना करती किसी का। आज तो वोट मांगे हाथ जोड़े हैं और फिर कुछ भी ना करते। अच्छा, पिछले बार दी थी वोट किसी को? और ना कोई किसी ने नहीं पूछता करती। अच्छा, तो सिर्फ चुनाव के वक्त में मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते लोग? ना कुछ नहीं मिलता फिर। अच्छा, फिर कोई वोट का नहीं आता। अच्छा, आप ये समस्या है जी, जब तात पाँच न्यू जोड़ा तरह तू गरीब से न्यू कर देंगे फिर कोई बात ना है। अच्छा हाँ, तो पिछले बार किसको वोट दी थी? पिछले चुनाव में किसको दिया था, किसको घेरा था वोट? हमने किसा के बिना बता के बिना किसके पड़ा। अच्छा, मतलब अगर भूपेंद्र मलिक को मिल गया तो भूपेंद्र मलिक? हाँ, और नहीं तो फिर कांग्रेस। अच्छा हाँ, ये है। चलिए, हम लगातार आपको लोगों से मिलवा रहे हैं, बात करवा रहे हैं, और अपना तो काम है थर्मामीटर लगाना और आपका काम है टेम्परेचर नोट करना। आइए आगे गांव में चलते हैं। जब हम इस गांव में घूम रहे हैं तो जैसा मैंने बताया आपको कि बड़ा गांव है और दो पंचायतें हैं यहां पे, और उन दोनों के सरपंच ने हम लोगों को देख करके के रोका और कहा कि हमें भी कुछ कहना है। और एक नई बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है, उसके सामने लोग हैं यहाँ पर। ये आप कौन कौन है सरपंच आप लोग? अच्छा, मिठान पन्ना। अच्छा, आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए अपना परिचय बताइए। राजेश मलिक, सरपंच बैसवाल कला मिठान। मिठान से हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं नरेंद्र जी। अच्छा, सरपंच पति नरेंद्र बैसवाल बावड़ा। अच्छा, ये वाइस चेयरमैन बलोटा। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। ये क्या शिकायत है, क्या क्या शिकायत है, इस ये बिल्डिंग क्या है और शिकायत क्या है इसमें? देखो जी, शिकायत ये है कि हमने जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, बिल्डिंग है क्या पहले ये तो सीएचसी की बिल्डिंग है जी। हाँ, सीएचसी की बिल्डिंग तब जब भी बननी शुरू हुई थी, हमने उसी टाइम ठेकेदार को बुला कर ये बता दिया था जी ये इसमें कंप्लेंट है। हाँ,
तो हमने इसकी 10/7/2018 को कंप्लेंट करी थी। हाँ। ये कंप्लेंट थी। अच्छा, उसके 5 महीने बाद एक मिनट, ये आपने कंप्लेंट डाली थी। हाँ ठीक है, उसके 5 महीने बाद एसी साहब का लेटर आया है कि भाई आप कंप्लेंट का जवाब तैयार करना और आप आ जाए। हाँ। उनको बता दिया गया ये उसी दिन। हाँ। भाई आप 5 महीने बाद आए हैं। हाँ। लेकिन इसके पहले का जो कार्य था 5 महीने पहले का और 3 महीने बाद का कार्य बिल्कुल इसमें ठीक नहीं रहा है। ये सीएसएच की बिल्डिंग बननी कब से शुरू हुई? ये 2018 में जी, 2018 से बननी शुरू हुई। हाँ जी। और ये पूरी बन के तैयार हो गई है? हाँ जी। हैंडओवर हो गया? हैंडओवर हो गई जी। ये देखिए, हैंडओवर नहीं करी है जी अभी। हैंडओवर नहीं हुई है? नहीं जी। ठीक है, ये देखिए जी इसकी। हाँ। ये इसका रिंग का साइज होता है 6 इंच का, जबकि इन 26 इंच का 18 इंच का ये लगा रखे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो क्वालिटी है, हाँ जी, है ना, बिल्कुल वो क्वालिटी गड़बड़ है और इसकी शिकायत आप लोगों ने की है। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। यही यही कहना चाह रहे हैं आप भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहलवान जी जी। इसमें हॉस्पिटल लग गए, मतलब जो अभी इसने क्या करा डिपार्टमेंट ने जी, सीएमओ साहब की मिली भगत है। वैसे देखो हमारे यहाँ सीएचसी की जब ये घोषणा 2012 में हुई थी, 12 में हुड्डा साहब ने घोषणा करके कुछ नहीं किया। यहाँ हमारे विद साहब ने जी हमारी सुन के उसी टाइम हमारे मतलब इसकी घोषणा करी और तुरंत प्रभाव से इसका काम चालू करवाया अनिल विद साहब ने जी। उसके बाद मतलब उन इतनी इच्छा से यहाँ मतलब वो कराया था कि हम सीएचसी बनाएंगे, जो हुड्डा साहब नहीं कर पाए उसको हम करेंगे। वो तैयार हुई लेकिन एक अकेले ठेकेदार ने मतलब यहाँ ऐसा नहीं कर दिया। तो आप लोगों ने विद साहब को कंप्लेन नहीं किया जो आप ये सब कागज दिखा रहे हैं? ऊपर आपको दिया आप लोगों ने? भेजी भेजी दी जी। हाँ, इसका उद्घाटन भी उन्हीं गास्तों से होना था। अच्छा। आ, नहीं तो वेद साहब को जब आप लोगों ने कंप्लेन किया तो क्या हुआ, क्या जवाब? उसका नोटिस आया कुछ? नोटिस में ये 8 महीने 6-7 महीने बाद आया है ये। नहीं नहीं, मैं क्या समझना चाह रहा हूँ कि ये कंप्लेन आप लोगों ने वेद साहब को, आप कह रहे हैं ना हुड्डा साहब नहीं बना पाए, वेद साहब ने बनाया, तो वेद इसकी क्वालिटी खराब है, बन रही है ना, तो वेद साहब को कंप्लेन किया था आप लोगों ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है? आज किया था जी, ये लेटर डाल। तो वेद साहब के यहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ? उनके एक्शन पे ही एससी साहब आए थे जी। अच्छा, 5 महीने बाद? 5 महीने बाद आए थे। तो वेद साहब के यहाँ भी एक्शन 5 महीने बाद हुआ? हाँ, ये 2018 की बात है। अच्छा, बिल्डिंग तैयार हो गई होगी? तैयार हो गई थी। अच्छा, बिल्डिंग तब तक तैयार हो गई थी? अभी इन्होंने हमने वेद साहब से टाइम मांगा था 3 मार्च में जी। हाँ। कि आप आओ हमारे यहाँ। हाँ। आप बिल्डिंग भी देखना और आपके द्वारा हम चाहते हैं आप ही हमारा उद्घाटन करो। हाँ। अपने हाथों से जिस जो आपने बनाई है। हाँ। आप ही आके इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो उस टाइम लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पाया था। अच्छा, अभी सीएमओ साहब ने एकदम से मतलब रात रात में हमारे को पता लग गया, सुबह यहाँ लाइन लग रही कि भैया हम तो नौकरी लग का है वहाँ से। अच्छा, जबकि गांव की जमीन थी, सब कुछ था। हाँ। किसी का एक भी बच्चे का यहाँ, सिर्फ 2 बच्चे जो पहले वहाँ ठेके यहाँ रहते थे ना। हाँ। उनको छोड़ के। हाँ। किसी का कोई सिलेक्शन नहीं पाया हमने। अच्छा, वो सभी बच्चे सीएमओ साहब ने मतलब जिससे भी हम तो क्या देखो पता है, सुना है कि वे सभी पैसे दे गए हैं वे। अच्छा, वह बच्चे मतलब आप लोगों की मेन समस्या है कि गांव के बच्चों का इसमें नौकरी नहीं है। हाँ जी, ये है ना मेन समस्या। ये जी, ये मेन समस्या है, गांव के बच्चों की यहाँ नौकरी नहीं। एक बात बताओ, ये सीएचसी पहले यहाँ नहीं थी, सीएचसी वहाँ थी हमारी, उसमें ये प्रशासन की इनकी तरफ से ये आवा था कि भाई रोड के ऊपर जगह दे दो। हाँ। वो जगह वो करके हमने ये रोड के ऊपर जगह दी, निःशुल्क जमीन दी, ये जमीन उपलब्ध करा। अच्छा, 2010 में घोषणा हुई, हुड्डा सरकार ने घोषणा करी थी, उस टाइम पर नहीं बनाई सरकार में, हम बने भागा दौड़ी करके यहाँ बनवाई। इसमें जितनी भी आज तक कोई भी प्रॉब्लम हुई है, चोरी हुई 3-4 बार। हाँ। तो उसका वहाँ चौकीदार तब कहाँ चले गए, अब तो ये बगैर पूछे भर्ती कर दिए। हाँ। उस टाइम पर तनख्वाह भी निकलवा रखी होगी ठेकेदार ने, जो भी यहाँ चौकीदार होगा। हाँ। फिर चोरी कैसे होती? हाँ। तो ये भी बात देखवानी है हमने भाई। हाँ। जो माले चौकीदार की तनख्वाह निकल रही होगी यहाँ से, तो चोरी कैसे हुई फिर? ठीक है, 2-3 बार चोरी हुई। ठीक है, अभी यहाँ आज की इसी टाइम पर हम खड़े हैं जी, सीएचसी चालू हो चुकी है, 7 डॉक्टर हैं यहाँ, डिप्टी एसएमओ भी लग रहे हैं, अभी ताला लग रहा है, कोई चौकीदार नहीं है, आप भी देख रहे हो, पोस्टिंग चल ली, ज्वाइन हो लिए, सब कुछ हो लिया। कल आए थे 3 बजे, हम जब भी यहाँ कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं। यहाँ माले को बीमार आदमी आ जा, गेट खोल नहीं रहा, कैसे बोल रहे हैं?
मैंने बिल्डिंग की जी और इसकी जो बच्चे लगाए हैं इनकी जांच करी जाए, वो पैसे लगे ना बच्चे लगा रखे हैं और इतना ना मान ले जांच नहीं होती इतना ही इस पर रोक लगा। आप लोगों की बात अब 255 हुए हैं ये तालाबंद है दोनों। लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा मौका होता है, है ना भाई। हम लोग कोई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह तो है नहीं, हमारी तो ताकत एक एक वोट में है। अब फिर से आपके यहाँ चाहे जो भी कारण बना स्वर्गीय भूपेंद्र श्री कृष्ण चोड़ा नहीं रहे तो अभी चुनाव हो रहा है, है ना, अब हो जाएगा, डेट डिक्लेयर होगा, हो जाएगा जी। आपकी ये समस्या हमने सुन ली जी, और वोट का ताकत आपके पास है जी, है ना जी। तो फिर क्या होगा पहलवान जी? योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त, हाँ अच्छा, बरोदाल कैसे योगेश्वर दत्त, हमारा सारा गाँव योगेश्वर दत्त की तरफ। अच्छा हाँ, तो पिछले चुनाव में उसको नंबर दो पे पहुंचा दिया था आप लोगों ने गांव से? हाँ? दो तेजी गांव गए, इसलिए बराबर वोट आई है बराबर। अच्छा, अब बराबर बराबर 1846 1852। अच्छा, दो चार वोटों का फर्क है ऊपर नीचे गांव गया। यहाँ कृष्ण उडागा कुछ नहीं था। अच्छा, 500-700 पर्ची दी बस। तो इस बार योगेश्वर दत्त, हाँ उडाड़ खत्म है महेश्वर में। योगेश्वर दत्त को अगर टिकट नहीं मिला तो फिर देख लेंगे जी, फिर भूपेंद्र हुड्डा भी कोई भी हो सके, फिर नहीं कर सकते, फिर गांव है योगेश्वर दत्त की तरफ। योगेश्वर दत्त नहीं हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी देख ले, कोई भी हो सके, फिर कोई बात नहीं। सरपंच है आप? ऐसे है, हम तो पार्टी के साथ हैं, पर पहली चॉइस हमारी योगेश्वर दत्त है, क्योंकि नौकरी छोड़ दी है। नहीं हुआ तो पार्टी जिसने भी देगी, पार्टी जिसने भी देगी, हमारा तो फर्ज बढ़ ना, लाचारी पे कह रहे हैं। हाँ लाचारी, काम सुनो, पहले मेरे को आप अपनी बात, दो तरह के होते हैं, आप अपनी बात मारे, मुझे पार्टी होती है, एक होती है पजामा पार्टी जो पजामा पहन के चुनाव लड़ता है, और दूसरी होती है पजामा खींच पार्टी, समझ रहे हैं पहलवान जी? समझ रहे हैं पजामा? हाँ, खेती करनी है, खेती करने का फायदा है, खेती का कारण बता देंगे जी, योगेश्वर दत्त का परिवार उसका कारण है जी, सरकार ने उसका कारण है जी। जो मतलब पार्टी का जो है पहले की सरकार में और अब की सरकार में वो हमारे गांव के काम हुए हैं, अकेले हमारे गांव में करीब 12 करोड़ रुपये बीजेपी पार्टी ने हमारे को दिया, और जो हमने एस्टिमेट बनाए हैं धनखड़ साहब का, मतलब इतना आशीर्वाद रहा है यहाँ पे, सहयोग रहा उनका, वो जितना हमने कह दिया उन्होंने वही काम हमारा मंजूर कराया, इसलिए मतलब गांव का एक एहसान है उनकी तरफ कि उन्होंने हमारे काम करे हैं तो हम उनका एहसान उतारेंगे। ये है कुल मिलाकर के कहानी। अगले पड़ाव पे चलते हैं, थर्मामीटर लगाते जाएंगे, आप टेम्परेचर नोट करते चलिए, और ये बरसात की गर्मी है ज़बरदस्त, और इसी गर्मी में चुनाव होना चाहिए ताकि नेता अपनी ऐसी गाड़ी से उतर करके इस गर्मी में घूमे, तब पता चलेगा कि चुनाव होता क्या है। आइए ठीक चलिए, तो ये भैंसवाल कला में है, हमने आपको बताया कि दो पंचायतें हैं यहाँ पर, और कुल मिला के कहानी आप देख रहे हैं, अभी CHS का की कहानी आप सुन रहे थे, दोनों पंचायतों के सरपंच थे वहाँ पर, और ज़रा यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये चुनाव होने वाला है दोबारा, पता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या माहौल है? माहौल ठीक है जी। किसकी गर्मी ज़्यादा है? कांग्रेस की गर्मी ज़्यादा है। कांग्रेस की है? हाँ जी। हाँ अच्छा, BJP, JJP, INLD वो वैसे तो सब हैं, फिर कांग्रेस ज़्यादा। क्यों, ऐसा क्यों? हुड्डा ने काम कराए हैं जी यहाँ। अच्छा, हुड्डा ने काम कराए इसी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ताऊ राम राम। राम राम भाई। ये चुनाव हो रहा है पता है ना? हाँ दे रहा है। तो किसकी गर्मी है ज़्यादा? हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब की है, क्यों? काम करवाए हल्के में। और BJP? इन्हें भट्ठा बिछा दिया कती। अच्छा हाँ। तो ये तो अभी ये जो आपका गांव है भैंसवाल हाँ। कला, इसके जो दो सरपंच है वो दोनों कह रहे थे कि हुड्डा जी ने कोई काम नहीं कराया, जो काम कराया BJP ने कराया। हमने इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं जी हाँ? हम तो उसके बारे में कैसे हैं जिसके बारे में काम कराए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हुड्डा साहब ने कराया? काम कराए जी हुड्डा साहब ने। अच्छा, आपको पूछ लिया है? आप बताइए, आप बताइए, वोट देते हैं ना? तो किसका किसकी गर्मी है ज़्यादा? ये हुड्डा के साहब के रहे हैं। अच्छा, हुड्डा साहब की है। BJP, JJP, INLD? नहीं, हुड्डा साहब की है। हुड्डा साहब की है। अच्छा अच्छा, और भी हैं एक उधर बैठे हैं, ज़रा उनसे भी एक बार पूछ लूँ।
किसकी गर्मी चुनाव में यहाँ ज्यादा है? भाई साहब देखो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कभी भी। कभी भी इंटरेस्ट ना देते हैं कि नहीं देते? हाँ, वोट देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं, लेकिन जब भी जो परिवार वाले बोलते हैं जैसा भी वैसा कर देते हैं। अपने मन से नहीं देते हैं? नहीं, अपने मन से देते हैं। परिवार खुश है तो हम खुश हैं। पिछले बार किसको दिया था? कांग्रेस को दिया था। पिछले बार कांग्रेस को दिया था। हाँ, परिवार वाले क्या कहते हैं? इस बार बीजेपी को देंगे हम, क्योंकि हमारा पहलवान जी है योगेश जबरदस्त। हाँ। इसको टिकट मिलने का चांस है। अच्छा, तो पिछली बार भी तो मिला था? हाँ, तो मिला था, पिछली बार दूसरी बात थी। अच्छा, अब की बार दूसरी बात है, इस बार दूसरी बात। हाँ है। हाँ, तो ये थर्मामीटर है, लगाते चल रहे हैं, आप टेम्परेचर नोट करते चलिए, और वादे के मुताबिक हर गांव में हम आपको लेकर के चलेंगे, और वहाँ का मूड क्या है, माहौल क्या है, टेम्परेचर पे कितनी गर्मी है, कहाँ ठंड कहाँ गर्मी, ये सब दिखाते चलेंगे। बाकी आप खेल समझते चलिए। तो अगले एपिसोड में यानी अगले गांव में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और हाँ, दिल कमज़ोर हो तो थर्मामीटर वाला प्रोग्राम मत देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।